नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने वेबसाइट में साइट मैप कैसे यूज़ करें, जो कि हमारी जो वेबसाइट होती है जिसमें हम लोग साइट मैप दिखाते हैं, उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारी जो पूरी वेबसाइट में जो भी हमारा कुछ है, अगर एक ही पेज पर हमें दिखाना है कि हमारी वेबसाइट पर इतना मटेरियल है, कि हमारे पास अबाउट अस है, सर्विसेज हैं, इस टाइप का, मतलब जो हम लोग साइट मैप यूज़ करते हैं, तो उसको अपनी ड्रुपल 7 की वेबसाइट में कैसे यूज़ करेंगे साइट मैप यूजिंग अ मॉड्यूल, तो उसके लिए कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उससे पहले कि हमें ये साइट मैप चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें हम उसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको इनेबल करते हैं, मॉड्यूल के में जाते हैं और इसको इनेबल करते हैं। ये है हमारा साइट मैप डिस्प्ले या साइट मैप जो डिस्क्रिप्शन था, इसको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेक चलते हैं। तो यहाँ पर वो हम पेज टाइटल दे देंगे जो कि हमें देना है साइट मैप, और यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं, वेलकम टू, जिस टाइप का भी आप मैसेज देना चाहते हैं, यूज़र को जो अपने पेज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं दे सकते हैं। हम सिंपल से दे देते हैं, ठीक है। इसको डिस्प्ले थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, फुल HTML सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हमें अगर फ्रंट पेज को दिखाना है अपने साइट मैप में, तो इसको चेक कर देंगे सॉरी, और अगर नहीं दिखाना है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पर वो जो टाइटल आएगा, जैसे कि मेन टाइटल और उसका होम पेज, वो क्या चीज़ है जो सो टाइटल, मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले ये देखते हैं कि ये कौन कौन से साइट मैप में हम मेन्यू इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का मेन्यू तो हमारा एडमिन पर्पस से हो गया, नेविगेशन कर सकते हैं, यूज़र मेन्यू कर सकते हैं, जो भी हमारे पास यूज़र में को हमने मेन्यू प्रोवाइड किया है। अगर आप चाहते हैं कि डिसेबल में जो हमारे पास मेन्यू वो भी दिखाना चाहते हैं, तो आप इस पर भी क्लिक करके इसको दिखा सकते हैं। टैग सिस्टम जो आपके ड्रुपल में, जो आपके प्रोजेक्ट में टैग इंक्लूड है, उनको भी आप दिखा सकते हैं। और कैटेगरी की कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पर, अगर आप डिस्क्रिप्शन अगर आपने ऐड किया टैग ऐड के होने के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन भी आपको आएगा, ठीक है। और ये कुछ RSS की सेटिंग्स हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, और सेव करके देखते हैं कैसा हमारा साइट मैप का पेज आया। ये है हमारा साइट मैप का लिंक, और जो हमारा बनेगा वो अपनी साइट के बाद आपका स्लैश करके साइट मैप, ठीक है। देखिए ये जो हमारा जो हमने टाइटल दिया था वो, और वेलकम टू आवर साइट मैप, और ये वो पेज टाइटल है या टाइटल है जो हम लोग वहाँ पर चेक किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो टाइटल है, अगर आप उसको अनचेक कर दोगे तो केवल ये ही आएगा, और मतलब जो लिंक वाले जो कंटेंट है वो आएंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पेज, मेन मेनू, नेविगेशन हमने ऐड किया था वो आ गया, ठीक है, यूज़र मेनू आ गया, और टैग, ठीक है। अभी दोस्तों एक चीज़ इसमें और है कि अगर हम उसको एनोनिमस के लिए अगर रखेंगे पेज, तो ये साइट मैप अभी एक्सेस डिनाइड बता देगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको परमिशन नहीं दी। उसके लिए दोस्तों हम लोग चलेंगे परमिशन के पेज पे, और परमिशन के पेज पे हम लोग साइट मैप यहाँ ढूंढेंगे, साइट मैप, ये हमारा साइट मैप, और इसको हम लोग एनोनिमस और ऑथेंटिकेट दोनों के लिए रख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव रिफ्रेश करेंगे, तो ये आ गया। तो जितनी भी परमिशन होगी एनोनिमस के लिए वो आएंगी, और जितनी भी परमिशन होगी ऑथेंटिकेट यूज़र के लिए वो आएगी, ठीक है। तो ये था कि और जितने भी आपके वेबसाइट में डायरेक्टरीज होंगी वो उस टाइप से आएंगी। अभी हमारी डेमो प्रोजेक्ट है, तो उसमें थोड़े बहुत डायरेक्टरी, इसलिए ऐसा है, मतलब जितना भी आपके पास डायरेक्टरी होगा वो आप दिखा सकते हैं उसमें। तो ये था कि दोस्तों कि हम लोग अपनी वेबसाइट में कैसे साइट मैप यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।